अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे सब। आज हम आपको बहुत मज़ेदार सा चिकन पराठा रोल बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने ये चिकन के कुछ पीसेस लिए थे बोनलेस चिकन के, इनको बॉईल कर लिया। और ये शिमला मिर्च है, इसमें टमाटर है एक छोटा सा और एक छोटी सी शिमला मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज चॉप किए हुए, धरा मिर्च कुटी हुई ले लिया हमने 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने ये लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हम हसबेदाई का यूज़ करेंगे। तो चलाएं बनाने की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्राई पैन हमने ले लिया, अब हम इसमें मिक्सचर बनाना रेडी करते हैं। सबसे पहले घी डाल लेंगे थोड़ा सा, ये हम इसमें भी डाल दें। लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई धनिया मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अब हम इसमें थोड़ी सी चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट डन है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं पराठे को। ये रोटी हमने बनाई है मैदे की, और घर में जो आम आटा होता है जिसकी रोटी बनती है उसका, ये हमने सूखी रोटी उसकी बना ली है। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगा के तो थोड़ा पराठे की शेप में ले आते हैं, फिर इसमें फिलिंग करते हैं। अब ये जो रोटी हमने दी थी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हमने इस पराठे के ऊपर फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर मायनीज लगाएंगे। अच्छे से सारी साफ कर लेनी ताकि कोई चीज आया ना हो आपकी, ठीक है। आई थिंक मायनीज तो हमारी लग गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चिली सॉस पिज्जे वाली, ये हमने खुद रेडी किया है। आपने सादी जो केचप होती है टोमेटो केचप वो लेके, जो चिली फ्लेक्स होती है कुटी हुई धड़ा मिर्च उसको डाल लेना इसमें, और साथ में काली मिर्चों का पाउडर डाल लेना, तो आपकी ये चिली सॉस भी रेडी हो जाएगी पिज्जे वाली। और ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है, इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा।
अब हम ये मिक्सचर लगाएंगे इसके ऊपर। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था अब इसके ऊपर वो लगा देंगे। अब ये चिकन हमने बॉयल किया हुआ था वो चिकन इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको रोल कर लेंगे। अब हमने इसको रोल कर लिए, इसको ये टूथपिक नहीं होती जो, उसके साथ इसको बंद कर लेंगे। अभी हम इसको सर्व करते हैं अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, हमारा बहुत मज़ेदार सा चिकन वाला पराठा रोल रेडी है। आप इससे मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।